सो हे गाइस, वेलकम टू वीडियो कम ओएल बताओ कम ओएल वीडियो टू। आपका स्वागत है न्यू वीडियो के साथ। खैर गाइस, इंग्लिश ज़्यादा नहीं है, सबके सामने लीक हो जाएगा, मुझे नहीं पता। खैर देखो, ऐसा है कि आपको अपने गेम के अंदर लेस स्मोर का टॉप अप इवेंट देखने को मिलने वाले हैं, और अभी बहुत जल्द। एंड हाँ, कौन सा इवेंट के थीम पे लेस स्मोर को दिया जा रहा है उसका कन्फर्म किया डेट तय किया गया है, बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और वैसे 90 रुपीस में 500 पीस डायमंड। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और कुछ भी नहीं बताऊंगा सब आगे। वैसे हाँ, इसके अलावा बात कर लेंगे नेक्स्ट बीआर रैंक सीजन रिवॉर्ड्स के बारे में, कौन कौन से वो रिवॉर्ड्स है जो कि आप लोगों को नेक्स्ट बीआर रैंक सीजन पर देखने को मिलेंगे। देन बात कर लेंगे नेक्स्ट सीएस रैंक सीजन रिवॉर्ड्स के बारे में भी, नेक्स्ट सीएस रैंक रिवॉर्ड्स पर क्या कुछ आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, दोनों का क्या कुछ डेट है, मतलब कब सीजन को चेंज किया जाएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। और इसके साथ में बात करने वाले हैं नेक्स्ट न्यू इवोगन के बारे में, अपने गेम के अंदर कौन सा न्यू इवोगन लाया जा रहा है और वो कब लाया जा रहा है, कौन से इवेंट के अंदर लाया जाएगा, इस तरीके से और भी बहुत से कमाल के अपडेट सबको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो बस आप लोग देखते रहो वीडियो को, हम अपना काम करते हैं, अपडेट को कवर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट सीएस रैंक सीजन पर क्या कुछ रिवॉर्ड्स आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं। आप लोग सिंपली यहां पर रिव्यू देख पा रहे हो कौन कौन से रिवॉर्ड्स को यहां पर ऐड किया गया है। ये वाला जो सर्व अवार्ड का स्किन है, ये आप लोगों को सीजन 25 पर जो देखने को मिलने वाले, यानी कि नेक्स्ट सीएस रैंक सीजन पर। देन आप लोग ये वाला ड्रैगन ऑफ का स्किन देखने को मिलने वाले, सिंगल मूवमेंट स्पीड और साथ में सिंगल रेंज इसके अंदर एट्रीब्यूट दे दिया गया है, मतलब एसबीडी के अंदर। देन आप लोग को ये वाला हीरोइक का टी शर्ट देखने को मिलने वाले, बिल्कुल मतलब बढ़िया लग रहा है हीरो टी शर्ट देखने में, और बिल्कुल ही कलर को चेंज कर दिया गया है जो कि मैं कहना चाह रहा था। अब देखो यहाँ पर कलर आप लोग को बिल्कुल चेंज देखने को मिलेंगे, पहले हमको मिलते थे रेड कलर में, अब इसको बिल्कुल अलग कलर में डिजाइन जो किया गया है। बाकी इस तरीके से कुछ बैनर अवतार वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। देन ये वाला पेन का स्किन आपको नेक्स्ट सीएस रैंक पर देखने को मिलने वाले, और हर बार की तरह कुछ बैनर अवतार वगैरह देखने को मिलता है ग्रैंड मास्टर करने पर, मास्टर करने पर, वो तो आप लोग को मिलते रहेंगे। तो जितने सारे रिवॉर्ड्स हमको दिखाया हो सब असल में यही सारे के सारे रिवॉर्ड्स आप लोग को नेक्स्ट सीएस रैंक सीजन पर देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग बताना कैसा क्या कुछ रिवॉर्ड्स आपको लगा है नेक्स्ट सीएस रैंक सीजन का। वैसे हाँ, यहाँ पर एक चीज छूट जा रहा है जो कि बेसिकली है अपना डेट। अब सीएस रैंक सीजन को कब चेंज किया जाएगा ये भी आपको बता दूं, तब जाके आपको ये जो रिवॉर्ड्स दिखाया हूं इसका मतलब रहेगा। असल में 1 तारीख को, मतलब कि कह सकते हो जून महीने के 1 तारीख को सीएस रैंक का न्यू सीजन आपको देखने को मिलेंगे। मई महीने पे आपको बीआर रैंक का सीजन देखने को मिलने वाले, डेट मैं पहले बता दूं, मई महीने के 1 तारीख को ही आपको बीआर रैंक का एक न्यू सीजन अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि आने में और 6 से 7 दिन बचा हुआ है, मतलब और 1 हफ्ता बचा हुआ है न्यू बीआर रैंक का सीजन आने में। लेकिन जो सीएस रैंक है उसको जून महीने पे चेंज किया जाएगा, जून महीने के 1 तारीख को। मतलब जो सीएस रैंक का टाइमिंग है वो अभी बहुत लंबा है, आप लोग को 1 महीने पहले से हमने जो रिवॉर्ड्स वगैरह का रिव्यू करा दिखा दिया है, तो रिवॉर्ड्स आप लोग देख के याद रख लीजिएगा। आगे आने वाले टाइम पे मैं और एक बार रिव्यू करा दूंगा इसका, जब सीएस रैंक का सीजन चेंज होना होगा उस टाइम से पहले मैं इसका रिव्यू और एक बार करा दूंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट बीआर रैंक सीजन रिवॉर्ड्स के बारे में, क्योंकि जो बीआर रैंक का सीजन है वो और 1 हफ्ते बाद ही चेंज होने वाले, तो उसके भी रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि सिंपली आप लोग यहाँ पर रिव्यू देख पा रहे हो क्या कुछ आइटम्स आपको नेक्स्ट बीआर रैंक सीजन पर दे दिए जाएंगे। जितने सारे रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ यही सारे आइटम्स आपको मिलने वाले हैं। गन स्किन, फिर साथ में गन स्किन तो वैसे इस बार एक VSK-94 जो न्यू गन स्किन आया था उसका स्किन दिया गया, काफी बढ़िया आपको चीज देखने को मिलने वाले कि चलो यार न्यू गन का स्किन आपको देखने को मिलेंगे, लूटबॉक्स का स्किन देखने को मिलेंगे, हीरो एक टी शर्ट भी कुछ यूनिक डिजाइन किया गया है इसका भी, यानी कि बीआर रैंक सीजन का भी। ये भी आप लोग को रेड कलर में देखने को नहीं मिलने वाले, बिल्कुल ब्लू और व्हाइट को मिक्स करके डिजाइन किया गया है, और सामने आपको हीरो एक का सिंबल देखने को मिलेंगे। तो जो रिवॉर्ड्स वगैरह दिया जा रहा है नेक्स्ट बीआर रैंक और नेक्स्ट सीएस रैंक काफी इस बार जो बढ़िया देखने को मिला है। सबसे खास बात हीरो टी शर्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। सो भाई इस पर आपका ओपिनियन क्या है, जो हीरो टी शर्ट हमें अलग रूप में देखने को मिल रहा है ये आप लोग क्या कहना चाहते हो बेसिकली कि यार ये बढ़िया क्या गया है फिर खराब, बताना अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। वैसे और एक बात गाइस, जैसे आपको बीआर रैंक का न्यू सीजन अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे तो भाई पॉसिबल चांस बहुत ज्यादा है कि आपको अपने रैंक टोकन के अंदर भी अपडेट देखने को मिले और कुछ न्यू रिवॉर्ड्स को अपने रैंक टोकन के अंदर ऐड कर दिया जाए। ये भी हो सकता है क्योंकि अक्सर हमें ऐसा देखने को मिलता है जब भी हमें गेम के अंदर बीआर रैंक का न्यू सीजन देखने को मिलते हैं तो भाई बीआर रैंक के अंदर साथ में रैंक टोकन के अंदर भी हमें अपडेट देखने को मिलते हैं और रैंक टोकन से हम कुछ और रिवॉर्ड्स को एक्सचेंज कर पाते हैं। तो भाई इस बार भी ऐसा हो सकता है कि आपको रैंक टोकन के अंदर कुछ और न्यू रिवॉर्ड्स देखने को मिले जिसको हम लोग रैंक टोकन के द्वारा इजिली एक्सचेंज कर सकते हो। सो ये भी अपडेट्स था जो कि हमने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है ताकि आपको पहले से पता रहे। खैर अब हम जरा आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं नेक्स्ट न्यू इवोगन के बारे में। तो बेसिकली सिंपली आप लोग रिव्यू यहां पर देख पा रहे हो नेक्स्ट जो इवोगन आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे वो असल में इवो स्कार 2.0 होने वाले हैं, जो कि न्यू इवोगन के रूप में आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। वैसे और एक इवोगन है जो कि बेसिकली है इवो G18, लेकिन वो आने वाले हैं इवो एक्सेस के रूप में। जो ई बैच का जिक्र किया गया था उस ई बैच के जरिए आपको इवो G18 गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। जितना दिन का आप लोग ई बैच बाय करोगे उतना दिन का लिए आप लोग को जो इवो G18 दे दिए जाएंगे अपने मेन आईडी पर। एंड देखो यहाँ पर मेन मुद्दा ये जो इवो स्कार है ये सबके लिए बैक आने वाले है, असल में इवो स्कार 2.0 को अपने गेम के अंदर दे दिया जाएगा। और ये जो इवो स्कार 2.0 का रिव्यू आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो पूरा का पूरा, किल इफेक्ट कैसे कुछ दिया जाएगा, फायरिंग इफेक्ट कैसे कुछ दिया जाएगा, इवो स्कार देखने में कैसे होंगे, पूरा का पूरा फुल रिव्यू आपको यहाँ पर मैं करा दे रहा हूँ। तो यही वाला न्यू इवो
इवोगन आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं और इसको दिया जाएगा अपने रिंग इवेंट के अंदर। लेकिन एक डाउट है, डाउट कुछ ऐसा है कि भाई देखो क्या सिर्फ अकेला इवो स्कार को लाया जाएगा या फिर इवो स्कार के साथ में कुछ और भी गन इसके नाम देखने को मिलेंगे। जो चांसेस है भाई वो ये कि अभी के टाइम पे जो इवो वर्ल्ड इवेंट आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिला है वो और कुछ दिन बाद हट जाएगा, मतलब चला जाएगा। और ऐसा है कि आप लोग को नेक्स्ट इवो वर्ल्ड इवेंट बहुत जल्द अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, शायद और 9 से 10 दिन बाद ही अपने को अपने गेम के अंदर एक न्यू इवो वर्ल्ड इवेंट देखने को मिलेंगे। तो भाई जो चांसेस बताया जा रहा है वो कुछ ऐसे ही दिया जा रहा है कि शायद आप लोग को न्यू इवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर इस बार जो है इवो स्कार 2.0 को दिया जाएगा, मतलब एक गन स्किन बिल्कुल न्यू होगा इवो स्कार 2.0 और बाकी जो 3 गन स्किन है वो ओल्ड होने वाले हैं। तीनों गन स्किन आप लोग जो है ओल्ड में बाई कर सकते हो। अब ओल्ड में गरना वाले कौन कौन से गन स्किन को देंगे ये गरना के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट जो चांसेस है वो ये कि आपको इवो स्कार 2.0 एक न्यू इवो गन के रूप में नेक्स्ट इवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर देखने को मिले, जो कि और 10 दिन बाद ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। और आपको मैंने बहुत टाइम पहले ये कंफर्म कर दिया था कि गाइस देखो जैसे ही अपना एडवांस सर्वर ओपन होता है उस टाइम पे आपको मैंने बता दिया था मई महीने पे आप सभी को इवो स्कार 2.0 गेम के अंदर देखने को मिलने वाले। ये आजकल ही नहीं है, एडवांस सर्वर ओपन होने से पहले आपको बता दिया था कि मई महीने पे आपको इवो इसका 2.0 गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। सो मई महीने पे आपको न्यू इवो वर्ल्ड इवेंट देखने को मिलेंगे और उसके अंदर शायद से इवो इसका 2.0 को दे दिया जाएगा। बताना कौन कौन इवो इसका 2.0 को बाय करने वाले हो। और हाँ, जो इवो एक्सेस आने वाले हैं उसके अंदर सिर्फ इवो G18 नहीं बल्कि और भी इवो गन सबको मिलेंगे। कुछ भाई लोग सिर्फ ये समझ सकते हो कि यार न्यू इवो गन के रूप में हमें G18 मिल जाएगा और इवो एक्सेस के अंदर और कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इवो एक्सेस लेने पर आपको और भी इवो गन्स मिलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट साथ में इवो G18 भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये हो गया अपडेट। अब हम जरा इसके साथ में आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं अपने इन गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट टॉप अप इवेंट के बारे में, कौन सा टॉप अप इवेंट आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो भाई देखो बेसिकली सीन ये है कि आपको अपने गेम के अंदर लेस इज मोर देखने को मिलने वाले हैं बहुत जल्द। अब ये भी हो सकता है कि आपको लेस इज मोर थोड़ा सा वेट करा कर दे दिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा बस कुछ टाइम पहले आपको अपने गेम के अंदर डबल डायमंड का टॉप अप इवेंट जो है वो देखने को मिला था। सो इसलिए जो लेस इज मोर आने वाले वो थोड़ा सा वेट कराया जाएगा, उसके बाद आपको लेस इज मोर दिए जाएंगे। अब थोड़ा सा का मतलब कितना रहेगा, फिलहाल जो ड्रैगन इवेंट चल रहा है इसको करने वाले पहले एंड कराएंगे और 10-12 दिन बाद ये इवेंट एंड हो जाएगा और उसके बाद आपको अपने गेम के अंदर एक न्यू पैराडॉक्स का इवेंट देखने को मिलेंगे। और ये बात आप लोगों ने कई बार सुन रखी हो। तो जो नेक्स्ट इवेंट अपने गेम के अंदर आने वाले उसी इवेंट के थीम पे यानी कि पैराडॉक्स इवेंट के थीम पे आपको अपने गेम के अंदर इवो बंडल देखने को मिलेंगे, हाइपर बुक देखने को मिलेंगे, इस तरीके से और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसको बाय करने के लिए आपको चाहिए डायमंड, वरना आप लोग स्पिन नहीं कर सकते। और ये चीज गरना को भी अच्छे से पता है कि अगर हम आइटम्स को दे रहे हैं तो हमारा भी काम यही बनता है कि हम सभी प्लेयर को ऐसा एक ऑप्शन दे कि ताकि वो डायमंड को बाय कर सके एंड अपने इवेंट के अंदर स्पिन कर सके। अब अगर किसी के पास डायमंड होगा ही नहीं तो स्पिन कैसे करेंगे, इसलिए घरना वाले क्या करेंगे आपको लेस इज मोर का टॉप इवेंट अपने गेम के अंदर अवेलेबल कराएंगे। तो ये गाइस आप लोग जो है लेस इज मोर डायमंड टॉप इवेंट को अपने गेम के अंदर कंप्लीट करो और 90 रुपीज देकर जो है तकरीबन 500 पीस डायमंड को क्लेम कर लो। और ये भी हो सकता है कि आपको 160 रुपए में 500 पीस डायमंड देखने को मिले। वैसे पैराडॉक्स इवेंट तो बड़ा होगा लेकिन ये उतना भी कुछ फ्री फायर का सबसे खास और दमदार इवेंट नहीं है कि घरना वाले इस इवेंट के थीम पे आपको 90 रुपए में 500 पीस डायमंड दे। तो भाई पॉसिबल चांस ये है कि आपको 160 रुपए में 500 पीस डायमंड देखने को मिलने वाले लेस इज मोर के अंदर, जिसको आप लोगों को इजिली बाय करना पड़ेगा। देन पैराडॉक्स इवेंट स्पेशल जो इवो बंडल गेम के अंदर बैक आएंगे, सॉरी मतलब इवो बंडल न्यू आएंगे और वैसे बैक भी आएंगे तो सॉरी रिटर्न कर देना, इवो बंडल आपको बैक भी मिलेंगे और न्यू इवो बंडल भी आपको देखने को मिलेंगे, हाइपर बुक व्यूवर से आ रहा है। सो अगर इन सारे आइटम्स को बाय करने के लिए आपको डायमंड चाहिए, इसलिए करने वाले आपको लेस इज मोर जो है नेक्स्ट महीने पे देने वाले, यानी कि मई महीने पे आपको लेस इज मोर का टॉप इवेंट अपने गेम के अंदर जो है देखने को मिल सकता है। खैर ये हो गया अपडेट अपने नेक्स्ट टॉप इवेंट को लेकर, यानी कि लेस इज मोर को लेकर। इसके साथ मेरा वीडियो आज कहीं तक था, बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं हर दिन की तरह कल शाम को और एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।